एक बार विक्रम जी को देखने दीजिए प्लीज काकी साहब, उनको देख लेंगे तब हमें चैन आ जाएगा। बस चारू बस, ये नौटंकी जाकर थानेदार को दिखाना, मौसी माँ को नहीं। काकी साहब आप ही बताइए, हम इतने दिनों से यहाँ थे, क्या आपको कभी भी एक बार भी हमारे और विक्रम जी के रिश्ते में कोई भी खोट नजर आई, या हमारा प्यार झूठा लगा, या हमारी सेवा में कोई कमी नजर आई, या फिर हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया? सच बोलेगा काकी साहब, सच बताइए हमें। सच बात तो यह है कि तुम एक नंबर की झूठी हो, और तुम्हारे किसी भी बात पे विश्वास करना हम सबकी बेवकूफी होगी। एक बात बताओ, अगर तुम झूठी नहीं हो, फरेबी नहीं हो, तो एक झूठी मिठू लाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था। आप और गुंजन जी हमारा चेहरा देखने के पीछे पड़े हुए थे, हम क्या करते, आप हमारा यकीन ना करते जैसे अभी नहीं कर रहे हैं। विक्रम जी के बिना जीना हमारे लिए एक सजा है, हम लोग समझते क्यों नहीं है? सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, चली थी हमारे परिवार को उल्लू बनाने। तुम्हें क्या लगा विक्रम के साथ प्यार का ढोंग रचाओगी और हम कुछ समझेंगे नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा हमें? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। काकी साहब आपके पैर पड़ते। अरे हम अपने होने वाले पति की भीख मांगते, प्लीज प्लीज हमें एक बार उनसे मिलने दीजिए, एक बार उन्हें देखने दीजिए। काकी साहब नहीं, कुछ तो शर्म करो चारू, तुम्हें कभी कोई माफ नहीं करेगा। सच तो ये है कि ना तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और ना ही तुम बदली हो, वरना क्यों तुम आकर मेरे और मयंक के बीच में सोती या फिर बुआ जी को लात मारती? तुम्हारी बदतमीजियों की तो कोई हद ही नहीं है। नहीं नहीं गुंजन जी, हम ऐसा क्यों करेंगे, और गलती किससे नहीं होती जी? बुआ सा तो हमारी होने वाली सास है, हम उनको क्यों मारेंगे जी? इसलिए क्योंकि तुम अब भी इस घर में रहकर मयंक और मेरे रिश्ते को, हमारी शादी को बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन याद रखना चारू, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। जैसे ये आपका ससुराल है वैसे ये हमारा भी ससुराल है, हम तो बस चाहते कि विक्रम जी की सेहत बिल्कुल ठीक रहे। विक्रम की चिंता करने के लिए हम सब यहाँ पे हैं। तुम अपना रास्ता ना पूछ, समझी? अब बाहर जाओ यहाँ से। काकी साहब अगर आप चाहते तो हम चले जाएंगे, लेकिन इतनी रात को इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हम कल सुबह चले जाएंगे और एक बार विक्रम जी से मिलकर जाएंगे कि हम उन्हें समझा पाए कि हमारी कोई गलती नहीं थी। बस कल सुबह तक का वक्त दे दीजिए हमें काकी साहब, प्लीज काकी साहब। सुबह तक क्यों? अभी अपनी मम्मी को फोन करो, 15 मिनट में गाड़ी लेकर यहाँ आ जाएंगी, और यहाँ आकर अपनी बिगड़ैल बदतमीज और बेहुदा लड़की को लेकर जाएंगी। कम से कम आज रात तो हम सब चैन से सो सकेंगे। मैं अभी फोन करती हूँ। नहीं नहीं गुंजन जी, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है जी, अगर आप सबको मारी नहीं पड़ी तो ठीक है, हम चले जाएंगे। इस लड़की को तो हमने घर से निकाल दिया, लेकिन विक्रम उसे क्या मुंह दिखाएंगे हम? कल सुबह जब वो पूछेगा कि उसकी मिट्ठू कहां चली गई तो क्या जवाब देंगे उसे? दीदी आपकी कोई गलती नहीं है, गलती उस लड़की की है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? और दीदी आज नहीं तो कल विक्रम को सच्चाई तो बतानी है ना, और इसी में उसकी भलाई है। नहीं
विक्रम बहुत भोला है, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका दिल तो पूरी तरह से टूट जाएगा। नहीं ताई जी, विक्रम का दिल तब टूटता जब वो उस धोखेबाज से शादी करता। हाँ मौसी माँ, विक्रम उस विट्ठू नाम की फ्रॉड से दूर ही ठीक है। बहुत रात हो गई है, आप जाकर आराम कीजिए। हाँ आज की रात सब लोग चैन से सो जाइए, एक भला चोट अली। वैसे मौसी माँ, मैं आपसे थोड़ी सी नाराज हूं। किसके लिए? वो चोरनी मगरमच्छ के आंसू आपके सामने बहा रही थी और आप चुपचाप सुनती रही। वो इतना नाटक करती गई और आपने उससे कुछ भी नहीं कहा। अरे दो चार लगा कर देती ना उसके मुंह पर तो सारा मिट्ठूपना भूल जाती। पुरानी बातों को भुलाने में ही भलाई है कुंचन, ना कि उसे कुरेदने में या उसे उकसाने में। शुक्र है चारों से छुटकारा मिला। राम जाने कैसे कैसे और क्या क्या चकमे देने की सोची होगी उसने। रचना गर्ग जागो, काम पे लग जाओ, कल सुबह तक सब कुछ रेडी करना है ना, नहीं तो केती। काम पूरा हुआ मिस गर्ग? केती आप यहाँ? मैं अपने काम के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। Now listen, इस वीकेंड तक सारा काम फुल एंड फाइनली कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम बहुत कम है, इसलिए डोंट वेस्ट इट। ऑल राइट? हाँ ठीक है, ओके। शुरू हो जा। जी, अब वो वैसे ये दे। हम काम इतना बढ़िया करके देंगे कि केटी देखते ही रह जाएंगे। विक्रम तुम्हें कुछ चाहिए? मिठू कहाँ है? हमारी मिठू कहाँ है? अब विक्रम वो आ जाएगी, तुम सो जाओ। क्यों सो जाए हम? क्यों सो जाए? हमारी मिठू को बुलाइए अभी अभी के अभी। हमारी मिठू हमें चाहिए। कहाँ है हमारी मिठू? आपने उसे कुछ किया तो नहीं ना? बोलिए क्या हुआ? काकी वाह काकी मैं देखी ना, गुंजन भाभी ने हमारी मिट्टू को क्या कर दिया है? ये दुश्मन है हमारी मिट्टू की। बोलिए ना मिट्टू। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारी मिट्टू को किसी ने कुछ नहीं किया ओके, और तुम बेफालतू में गुंजन पे मत चिल्लाओ। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। तो फिर कहाँ है हमारी मिट्टू? विक्रम अपनी काकी माँ की बात नहीं मानोगे? मिट्टू को कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओ। हाँ लेकिन कहाँ है काकी माँ हमारी मिट्टू? हम जब भी उठते हैं वो हमारे पास होती है। काकी माँ बोलिए ना कहाँ है हमारी मिट्टू? हाँ वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई है मंदिर में, है ना? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।